हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ वैष्णवी और आपका स्वागत है आपके अपने रेसिपी क्रिएशन हिंदी में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चटपटी टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसी चना दाल नमकीन। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चना दाल नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चना दाल ली है। तो आप देख सकते हैं, इस कटोरे से माफ करके यहाँ पर मैंने लगभग 3 कटोरी ही चना दाल ली है। अब हम इसे 2 से 3 पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने 2 से 3 पानी से एकदम अच्छी तरीके से इसे वॉश कर दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और लगभग 5 से 6 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लगभग 5 से 6 घंटे भी हो चुके हैं, अब हम इसका कवर हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हमारे चना दाल ने कितने अच्छे से पानी सोक कर लिया है। अब हम इसके अंदर का पानी निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चना दाल को छन्नी के अंदर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हम सारी चना दाल को इस तरह से फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सारी दाल को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे अच्छे से सुखा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, लगभग 1 से 2 घंटे भी हो चुके हैं और हमारी दाल एकदम अच्छे से सोख कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और साइड में मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने को रखा था और हमारा ऑयल अच्छे से गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके चना दाल डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई पर रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे फ्राई करने में लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं, हमारी दाल कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह से हम सारी दाल को फ्राई कर लेंगे। सारी दाल फ्राई होने के बाद हम गर्म ऑयल में ही कड़ी पत्ते के थोड़े से पान डालेंगे और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे दाल में निकाल लेंगे। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस दाल को चटपटा बनाने के लिए थोड़े से मसाले तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला, साथ ही 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, साथ ही 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे जंजीरा पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। अब हम धीरे धीरे करके सारे मसाले इस तरह से दाल के अंदर डाल देंगे। हमें इसमें थोड़े थोड़े करके ही मसाले ऐड करने, आपकी टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारी दाल को कितना बेहतरीन कलर आया है और है एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुकी है। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।